कहाँ थे, कब से वेट कर रहा हूँ? सॉरी सर, लेट हो गया, ट्रैफिक बहुत था। चलो कहाँ जाना है सर? चुपचाप गाड़ी चलाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा। कौन है वहां पर? बाहर आओ। हेलो बिलाल, कौन हो तुम? आई एम हेयर टू हेल्प यू। किस तरह मेरी मदद करोगे? विथ योर प्रॉब्लम, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मुझे कोई मसला नहीं। यस यू डू, तुम दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट हो। तुम्हारे अंदर एक डार्कनेस है जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। यू हैव टू कॉन्क्योर योर फेयर। नहीं 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 बिलाल, 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 ये कौन सी जगह है? डोंट गेट कंफ्यूज बिलाल, ये मेरा क्लिनिक है जहाँ आपका लास्ट 6 मंथ से इलाज चल रहा है, और आपको एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आप यहाँ हैं। मेरे पास डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें एक शख्स अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेता है और वो उसको रियलिटी समझने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो रियलिटी नहीं होती। वो कभी कभी इस वजह से भी होता है कि किसी शख्स के बचपन के ट्रॉमाज होते हैं और सुकून तलाश करता है जो कि वो अपने माइंड में बनाता है, और कभी कभी कोई शख्स अपने सुकून तलाश करने के लिए किसी शख्स की तलाश करता है, किसी जगह की, किसी फेवरेट लाइब्रेरी की, किसी पार्क की, और वो सुकून तलाश करने के लिए अपने माइंड में सारी सीनरीज बना रहा होता है। और साइड रोड? नहीं बिलाल, ये तुम्हारे बचपन के ट्रॉमाज हैं जिसकी वजह से तुम अपने माइंड में सीनरीज क्रिएट कर लेते हो। जब भी तुम किसी मुश्किल में होते हो तो अपनी अल्टर ईगो वाली डार्क पर्सनैलिटी को ओवरकम कर जाते हो, जिसकी वजह से तुम अपने माइंड में सीनरीज क्रिएट कर लेते हो और बिल्कुल खो से जाते हो और एक वॉइड में चले जाते हो जिससे तुम्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट डॉक्टर, वो सारे मर्डर्स? आई सेड बिलाल के वो मर्डर्स, वो सारी आपकी डार्क पर्सनैलिटीज थी जो आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे थे। हम सब डॉक्टर ने मिलके उसको कम्प्लीटली कंप्रेस कर दिया है। आप हमारे पास 6 मंथ से हैं और अब आप बिल्कुल ठीक हैं। वो कोई मर्डर्स नहीं थे, आपने कोई मर्डर्स नहीं किए, वो सब आपकी सीनरीज थी। मतलब वो सारे मर्डर्स मेरे माइंड में थे, रियलिटी में मैंने कोई मर्डर नहीं किया था। जी बिलाल, आपने कोई मर्डर नहीं किया है, वो आपकी सारी डुअल पर्सनैलिटी थी जिसकी वजह से आपको लगता था कि आपने मर्डर किया है, और आप बिल्कुल अब बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आपको जज करने नहीं बैठी बिलाल, मैं आपकी हेल्प करने बैठी हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों से बाहर आ सकें। आई एम हेयर टू हेल्प यू, एम्ब्रेस योर ट्रू सेल्फ। A man without love.